आज नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे, 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी का बिहार यूनिट विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार है। लेकिन नीतीश कुमार जी को जो राजनीतिक हैसियत मिली है बिहार की जनता से, वो है कि विधानसभा का चुनाव करा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी साफ साफ कह दिया है कि हम तैयार हैं, नीतीश कुमार में हिम्मत है तो 24 घंटे के भीतर विधानसभा को भंग करवाए और बिहार में चुनाव करवाए, हम बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, लगातार चैलेंज वॉर छिड़ चुका है। बिहार में बड़ी बड़ी पार्टियां एक दूसरे को चैलेंज कर रही हैं। इधर बीजेपी लगातार ये चैलेंज नीतीश कुमार को दे रही है कि आप भंग कीजिए विधानसभा, हम तैयार हैं। और उधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि केंद्र कभी भी चुनाव करवा सकता है, लोकसभा चुनाव पहले है उसके बाद विधानसभा चुनाव। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को बड़ा चैलेंज 24 घंटे के भीतर दे दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सबसे पहले आप वो सुने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कल से जन्मदिन के शुभ अवसर पर सेवा पखवाड़ा हमारा शुरुआत हुआ और ये लगातार ये कार्यक्रम सेवा सुशासन के ये पूरा पखवाड़ा हमारा चलेगा। आज 18 तारीख को पूरे देश में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है और पिछले साल भी लाखों लीटर और लाखों कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन करके भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम किया था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कैंप लगाकर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम कर रही है और जिससे स्वास्थ्य सेवा में और मदद मिल सके इसकी पूरी संरचना का साथ देने का काम कर रही है। हम लोग तो तैयारी है, नीतीश बाबू आज इस्तीफा दे, आज नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे, 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी का बिहार यूनिट विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार। लोकसभा तो शेड्यूल्ड है, 6 महीने में लोकसभा को चुनाव होना ही है, अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तय करना है क्योंकि 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तय करना है कि चुनाव की प्रक्रिया कब करना है, या स्वयं प्रधानमंत्री जी तय कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐतिहासिक होगा ये जो 5 दिन का बजट है, ये सत्र जो है, और सत्र के माध्यम से ऐतिहासिक कार्य भी हम करेंगे। तो लोकसभा का चुनाव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही निर्णय ले सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी को जो राजनीतिक हैसियत मिली है बिहार की जनता से, वो है कि विधानसभा का चुनाव करा सकते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं, यदि आप में हिम्मत है तो 24 घंटे में विधानसभा को भंग कीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपसे लड़ने के लिए तैयार है। आरजेडी ने कहा है लोकसभा को भंग करने के लिए ही विशेषता को बुलाई गई है, आरजेडी ने बयान दिया है। अब ये आरजेडी का एजेंडा हमारा एजेंडा नहीं है। तो हमने सुना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान को, जिन्होंने साफ तौर से बड़ा चैलेंज जो है नीतीश कुमार को दे दिया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी वाले कभी भी चुनाव करवा सकते हैं। तो इधर बीजेपी और अमित शाह ने भी कह दिया है कि कभी भी चुनाव हो सकता है, तैयार हम बिल्कुल हैं। अब सम्राट चौधरी ने भी कहा है, 24 घंटे का अल्टीमेटम नीतीश कुमार को दिया है कि आप विधानसभा को भंग कीजिए, हम तैयार हैं। महागठबंधन किस तरीके से देखेगी, देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।